जा रही थी अंदर, तो मैंने देखा दादी का बक्सा जो मतलब बहुत पुराना है, और ये 1 रुपए का है। और भी है गाइस, बहुत सारे हैं यहाँ पैसे। तो गाइस इस पे बहुत सारा खजाना है, इतना सारा खजाना है, देखते हैं क्या क्या है इस पे। परसों जब पत्थर आए थे दो तीन, तो ये उस टाइम ये पेड़ पूरा गिर गया। गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू व्लॉग। तो अभी का टाइम जो है वो बज चुके हैं 10:30, और रोज की तरह हम आ चुके हैं। तो आज कल हम दूर नहीं जा रहे क्योंकि गधेरा आ रखा है, अभी गधेरा पार करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए तो अभी फिलहाल थोड़ा सा दूसरी साइड आ रखे हम। और काफ़ी अच्छा व्यू हो रखा है, अभी बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, लेकिन फिर से मौसम बारिश वाला हो रखा है, ठंडा हो गया है। तो अभी मम्मी घास काट रही है, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा काम मैं भी करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली गाइस जंगल से आ चुकी हूँ घर, और मैं ज़्यादा उमस हो रही है अभी, एक दो दिन बारिश बंद हुई तो उमस स्टार्ट हो गई है कभी। तो गाइस अभी खाना वगैरह मैंने खा लिया है, और अभी का ये सीन है कि मैं दादी से अंदर, तो मैंने देखा दादी का बक्सा जो मतलब बहुत पुराना है, और दिखाती हूँ आपको भी उस पर क्या क्या रखा है दादी ने, पहले क्या क्या रखती थी। तो चलते हैं अंदर, और ये हमारा है, ये पूजा वाला कमरा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे देवी देवता ही रहते हैं। तभी दिखाती हूँ आपको मैं वो बक्सा जिसपे दादी अपने कपड़े रखे जाते थे, कपड़े रखती थी, और देखिए आप भी। तो गाइस ये वाला वो बक्सा है जिसपे दादी सामान रखती थी, और इसको बहुत पहले खोल भी रखा है वैसे। इस पर पुराने ज़माने के सारे पैसे हैं, ये देखो आवाज़ सुन लो, इस पर खजाना है, खजाना दिखाती हूँ मैं आपको। इस पर मतलब ये है कपड़ा, बोले तो इस पर है ये सारे पैंट बनाने के लिए, कमीज वगैरह, ये देखो सारे ऐसे ही हैं। ये कपड़ा है, और एक पैंट है यहाँ पे, ये भी पता नहीं किसकी है, इसको यहाँ पे रखते हैं। और ये देखो, और ये देखो गाइस, ये दादी का पर्स है छोटा सा बटुआ। तो गाइस देखते हैं इस पर्स पे क्या है, दादी ने क्या क्या रखे हुए हैं, दिखाते हैं आपको भी। इस पर पैसे हैं जो पहले के ज़माने में चलते थे, ये देखो, ये है 2 रुपए का नोट है, ये देखो, देख रहे हो गाइस, ये 2 रुपए का है, ये देखो 1 रुपए का, पुराने ज़माने के, देख रहे हो आप, 1 रुपए का है। तो इनको रखते हैं यहीं। नहीं भैया और भी है गाइस, बहुत सारे हैं यहाँ पैसे, देखो खजाना। ये थे इस पे थे 10 रुपए थे इस पे टोटल, 2 रुपए के पुराने जमाने वाले। तो गाइस एक वाला तो मैंने देख लिया, इसको तो मैंने देख लिया, अभी और भी हैं दिखाते हैं आपको, ठीक है। एक ये वाला है दादी का, देखो पहले तो 10 रुपए बहुत माना जाता था वैसे, और ये चांदी का है, देखो चांदी के सिक्के ऐसे हुआ करते थे पहले चांदी। और ये पत्थर है, पता नहीं किस चीज़ का पत्थर है, मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ, ऐसे मैंने दिख रहा होगा आपको भी। तो गाइस ये देखिए, ये है चांदी के सिक्के, और ये वाला है चांदी का सिक्का, ये वाला। हमें ये क्या चाहिए यार, ये मम्मी को पूछ रहे, देख गल वैसे तांबे का पत्थर है, तांबे का पत्थर तांबे का है, ये पत्थर नहीं है, ये तांबे का है। दादी की पासबुक है पहले की, मतलब पासबुक कैसे होती, देखो देख रहे हो आप लोग गाइस। और ये हमारा यहाँ पे देखो, दादी काफ़ी अमीर थी वैसे दिखाते मैं आपको, ठीक है बाहर पे चलते हैं इसको देखने के लिए। तो गाइस इस पर बहुत सारा खजाना है, ये देखो इस पर भी है जी, ये देखो पहले के सिक्के, ये 2 रुपये नहीं 2 पैसे, ये है 3 पैसे, ये 1 पैसा, इतना सारा खजाना है, देखते हैं क्या क्या इस पे, ठीक है पोटली के अंदर पोटली इस पे कुछ और है, इस पे लॉन्ग है, लॉन्ग जैसा मुझे लगता है, लॉन्ग लॉन्ग वाला, इस पर भी है गाइस, इस पे देखिए पहले के लॉन्ग वाला, अभी ऐसे होते हैं, चलिए इसको अलग रखते हैं। दादी यहाँ कपड़ा चुन चुन के लगा रखा है, देखो ऐसे करके लॉन्ग दादी लगा जाएगी, बस इनके सामान खोल रहे हैं। माय गॉड गाइस ये देखो चूड़ियाँ,
दादी ने इतने संभाल के रखी हुई हर एक चीज, क्योंकि इंसान जब तक जिंदा रहता है तो वो सोचता है कि, मुझे लगता है कि इंसान जब तक जिंदा है तब तक उसको पूरा एंजॉय करना चाहिए, आगे का नहीं सोचना चाहिए कि आगे के लिए बचा के रख देते हैं। दादी ने इतने सारे पैसे रखे हुए हैं पहले के लिए, और इतना ही था। और अभी खाना तो मैंने खा लिया, थोड़ा आराम करते हैं, दो तो बज गए होंगे, तो उसके बाद शाम को मिलूँगी आपको, ठीक है। 10 हो या 5 पे हो, बहुत ज़्यादा मायने रखते थे, आजकल की डेट में तो 500 रुपये भी कम पड़ते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं गाइस। और हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी बज चुके हैं 6:30 और आज मैं अभी जा रही हूँ ब्लॉग अपलोड करने के लिए, और अभी शाम के टाइम पे धूप लग चुकी है बहुत तेज, तो अभी ब्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ। लगभग पहुँच चुकी हूँ और काफ़ी हरियाली हो गई है पहाड़ों में, आप देख सकते हो पूरा रास्ता है जो वो हरा भरा हो गया है, तो ऐसे में खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब हम परसों यहाँ आए थे ना, तो उस टाइम यहाँ पे एक पत्थर गिरा था, तो वो पत्थर दिखाती हूँ पहले मैं आपको कि कितना बड़ा पत्थर था। हम थोड़ा आगे पे थे पानी में और वो पत्थर यहाँ पे गिर रहा था, दिखाते हैं। तो गाइस ये है वो पत्थर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये देख सकते हो आप, और ये ऊपर से आया है, जो ऊपर वाली रोड है वहाँ से ये पत्थर आया था, तो काफ़ी खतरनाक था। हम यहीं थे उस टाइम पे, पानी लेने आ रखे थे और ये पत्थर उसी टाइम गिरा, और मम्मी भी आ रखी आज थोड़ा आगे, लेकिन और लंगूर बैठे हुए हैं जामुन के पेड़ में, इतने सारे लंगूर, बहुत ज़्यादा लंगूर होते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर, अभी घर के लिए निकल रहे हैं, 6:40 हो गए हैं, अभी घर जा रहे हैं। फिलहाल व्लॉग अपलोड होता है, ये परसों जब पत्थर आए थे दो तीन, तो ये उस टाइम ये पेड़ पूरा गिर गया था, ये ऊपर से आ रखा है ये पत्थर, मतलब पत्थर आ रखा है, ये देखो यहाँ पे है ना बड़े बड़े पत्थर, कुछ तो नीचे जा रखे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, ये देखो कुछ ये रहे, और एक ये वाला है, और एक ये वाला है सबसे बड़ा पत्थर है, और यहाँ से ये पूरा तोड़ के गया। तो अभी हम घर जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप बारिश के टाइम पे पहाड़ों पे ट्रैवल करना इजी नहीं है, मतलब सेफ नहीं है, लोगों को बारिश के टाइम पे पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए, इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं पहाड़ों पे। तो पहाड़ों में यही दिक्कत होती है, बारिश के टाइम पे पहाड़ खिसकना स्टार्ट हो जाते हैं वैसे भी। तो देखते हैं, अभी हम निकल तो रहे हैं घर के लिए, और नदी का पानी भी काफ़ी कम हो चुका है वैसे, और अभी धूप लगी हुई है। इस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।